जाते ही हम देखते हैं एक बहुत ही बड़ा स्पेसिमन रेडी टू शिप. दिस इज स्टिल बाय डाफोफ्लाइट विद चार्ल्स एडोनी. द वेट इज 523 kgs. और उसके साथ ये प्यारा सा क्यूट कैल्साइट दैट लुक्स लाइक ए डॉग, ये भी शिप होना था टू यूएस. ये सब शिपमेंट यूएस जा रहे हैं एंड दे आर वेरी हेक्टिक टू पैक एंड शिप. बट लुक एट द फॉर्मेशन, दिस इज ऑल नेचुरल. बस उसको आंखें लगा दी किसी ने. बट दिस लुक्स वेरी वेरी क्यूट. सो टू लिफ्ट दिस हैवी स्पेसिमन हमने क्रेन मंगा लिया था. और यहाँ पे संतोष भाई लिख रहे हैं बेस. एंड द सिंपल थिंग इज वी आर पुटिंग स्ट्रैप बिहाइंड द लाइक बिलो द स्पेसिमन, और ताकि वो इजीली लिफ्ट कर सके विद द हेल्प ऑफ क्रेन. अनबॉक्सिंग के टाइम भी बहुत हेक्टिक रहने वाला है इसको निकालना. सो हियर इज द क्रेन एंड वी आर एडजस्टिंग द स्ट्रैप्स बेसिकली. और यहाँ पे स्पेसिमन को उठा लिया गया है बट द स्ट्रैप्स आर नॉट टाइट. सब स्ट्रैप्स टाइट नहीं है बिकॉज द स्पेसिमन इज नॉट यूनिफॉर्म फ्रॉम ऑल द साइड्स. सो उसका एडजस्टमेंट कर रहे हैं हम. सो टू मेक द स्ट्रैप्स यूनिफॉर्म उसकी लेंथ छोटी कर देते हैं बाय अ नॉट. सो इसको फिर से उठा के देखते हैं सब कुछ बराबर है कि नहीं. यस एवरीथिंग इज फाइन. हाँ उठ गया स्पेसिमन, उठ गया. सो एवरीथिंग इज फाइन. सो इसको ऐसे रख देंगे फिर बॉक्स को पैक कर देंगे. अभी तक एक स्ट्रैप लूज है संतोष भाई देख रहे हैं. एक स्ट्रैप को फिर टाइट करना पड़ेगा. और यहाँ पे चेक कर रहे हैं और सब स्ट्रैप टाइट हो गया. अभी स्पेसिमन को रख देंगे और बॉक्स को पैक कर देंगे. और यहाँ पे होता है क्रेन का काम खत्म. भाई मेरे को एक चक्कर दो ना, ऐसा गोल घुमा के लाता हूँ. थोड़ी देर बाद मैं आके देखता हूँ कि स्पेसिमन पूरा पैक हो गया है नाइस विद बबल रैप. इसके साइड में भी पैकिंग होगी और ऊपर से वो लेड जो पीछे रखा है वो पैक हो जाएगा प्रॉपर.